आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर बी फार्मेसी करवा रही है, कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी के थ्रू डी फार्मेसी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी एडमिशन दे रही है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी, कौन यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स की इस वीडियो की डिमांड थी, लेकिन वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। Hey everyone, this is साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB Pharmacy। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बी फार्म करवा रही है सीयूईटी के अंदर, आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें, पूरी चीजें आप जाके वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सीयूईटी के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बी फार्म भी करवा रही हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डी फार्म में जो एडमिशन ले रही है वो भी सीयूईटी के थ्रू ले रही है। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी, कौन यूनिवर्सिटी कौन सा डोमेन सब्जेक्ट ले रही है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारे पीडीएफ इस टाइप के जो इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, कोई न्यू अपडेट आता है फार्मेसी से रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे जहां पे हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं सीयूईटी की बी फार्मेसी में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहां पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप खुद देखिएगा, आज का ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, एक सेकंड के लिए भी पूरा वीडियो देखना है बच्चे, इसलिए पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा सर्वे करके पूरा डाटा आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीयूईटी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है कि सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन ले रही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, थर्ड अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब इन्हें भी अलग से हम डिवाइड कर लेते हैं कि जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी है जो कि सीयूईटी के अंडर आई है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है। वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आसाम यूनिवर्सिटी, सेकंड बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, थर्ड डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, फोर्थ है आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, फिफ्थ है आपका हेमावती नंदन बाहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सिक्स्थ है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, थर्ड है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ है महात्मा ज्योतिबा फाउले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से ये यूनिवर्सिटीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ जैसे कि आप यहाँ से देख के आइडिया लगा सके कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की साइड जाना है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज की साइड जाना है, प्राइवेट की साइड जाना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पांच यूनिवर्सिटी चूज की, दो आपने सेंट्रल की कर ली, दो आपने स्टेट की कर ली और एक आपने किसकी कर ली, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि आपके लोकल में हो जिससे मैं आपको सुटेबल लगे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपेक्स यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, IES यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, सेवंथ है जो आपका वो भी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, ये सिक्स्थ वाला जो है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, और सेवन्थ है आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, एट्थ है आपका त्रिथंकर महावीर यूनिवर्सिटी और नाइन्थ है आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कौन सी, असम यूनिवर्सिटी। सो असम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, असम में है, बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब ये बी फार्म कंडक्ट करवा रही है। अब सीयूईटी के अंदर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो अगर आपकी टारगेट है असम यूनिवर्सिटी, मैं अगर बात करूँ असम यूनिवर्सिटी की तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है बी फार्मेसी के लिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। पहली बात तो अगर आप यहाँ से बी फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फॉरेन में प्लेसमेंट हो सकता है, फॉरेन में काम करने का मौका मिल सकता है, और साथ ही साथ इसकी जो सैलरी होगी कैंडिडेट की जो यहाँ से पास आउट करेगा बी फार्मेसी, कम से कम 1,00,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी हो सकती है अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं स्टार्टिंग में, और इंडिया में भी कोई कम सैलरी नहीं होगी, 50,000 से 60,000 रुपये आराम से आप पा सकते हैं अगर आप यहाँ से कर लेते हैं बी फार्मेसी। अब बात करती हूँ ये क्या क्या मांग रही है, ये मांग रही है एक लैंग्वेज,
वो आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी चूज कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग. एक जनरल टेस्ट मांग रही है और तीन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी जो भी आपके पास हो. एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में, वो भी जो आपके तीन मेन सब्जेक्ट हैं उनमें 50% होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये है, बी फार्म और डी फार्म दोनों ही ये कोर्स करवा रहा है. बी फार्म के लिए भी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इसकी और डी फार्म के लिए भी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है. अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो अगर बंदा 22 साल से ऊपर है तो इसमें एडमिशन वो नहीं ले सकता है. साथ ही साथ 10th प्लस 12th में 50% मार्क्स कंपल्सरी है पीसीबी या फिर पीसीएम में. ऐसे यहाँ पे अगर मैं डी फार्मेसी की बात करूँ तो 25 साल का कैंडिडेट तक, 25 इयर्स तक का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है. साथ ही साथ 50% रिक्वायर्ड है 10th प्लस 12th में. उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या फिर बोल सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बी फार्मेसी. बी फार्मेसी के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है. यहाँ से भी अगर आप कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपको टॉप मोस्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, वहीं पर आपको काम करने का मौका मिल जाएगा या फिर फॉरेन कंट्री में भी आप इजिली अपॉइंट कर लिए जाएंगे. तो ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है. बी फार्म ये करवा रही है और ये मांग रही है तीन डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपके पास 12th में थे, और साथ ही साथ इसमें मांगा गया आपसे जनरल टेस्ट. एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, 10th प्लस 12th पास आउट होने चाहिए, उसके बाद 45 इसमें मांगे गए हैं परसेंट मार्क्स 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी या फिर पीसीएम में. क्लियर हुआ. उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऐसा मींस जनरल को छोड़ के अदर जो कैटेगरी के पर्सन है उन्हें 5% और भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा. ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपका हेमवती नंदन बाहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि श्रीनगर उत्तराखंड में है. अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ, बी फार्म ये यूनिवर्सिटी करवा रही है. कौन कौन से डोमेन आपको इसमें देने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें आपको देना है. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तीनों ही डोमेन सब्जेक्ट इस वाली यूनिवर्सिटी में भी दिए हैं, AKTU में भी दिए हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में दिए हैं, तो आप इस तरीके की यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो. और यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्योंकि ये लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में भी ले रही है डी फार्मेसी वालों को भी जो बी फार्म करना चाहते हैं, तो लेटरल एंट्री भी यहाँ पे है. उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ यूपी में है, डिप्लोमा, सिर्फ ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले रही है CUET के थ्रू, और वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, तीन डोमेन सब्जेक्ट इसमें मांगे गए हैं, इसके अलावा इसके कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसमें, 50% मार्क्स होने चाहिए कहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th में. अगर आप अदर कास्ट जनरल को छोड़ के अदर कास्ट से हैं तो उसमें आपके 45% 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा. उसके बाद अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिपल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक अनूपपुर में है, उसमें आपका ये अंडर ग्रेजुएट मतलब बी फार्म भी करवा रही है, डी फार्म भी करवा रही है, डिप्लोमा भी, और साथ ही साथ ये आपकी लेटरल एंट्री भी दे रही है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका तीन में करवा रही है, क्या आपको बी फार्मेसी भी करवा रही है, डी फार्म भी करवा रही है, और साथ ही साथ ये आपको क्या करवा रही है, लेटरल एंट्री भी दे रही है. अब अगर मैं इसमें बात करूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आप देख सकते हैं, 50% आपको इसमें नॉर्मल कैंडिडेट जो जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए चाहिए, 45% आपका जो अदर कैटेगरीज है, ओबीसी है, किसी का EWS बना हुआ है या फिर SC ST से है, तो उन्हें 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा परसेंटेज में. उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज में से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, इंदौर में है. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, ये बी फार्मेसी करवा रही है, और ये क्या मांग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक मांग रही है लैंग्वेज, उसमें आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर क्या दे दिया है कि इंग्लिश में ही आपको देना है टेस्ट, इंग्लिश ही आपको चूज करनी है लैंग्वेज. ओके, 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं 10th प्लस 12th कैंडिडेट का, कोई रिलैक्सेशन भी नहीं है, सबके लिए 50%. उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ यूपी में है, जिसे मैं मेनली हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बी फार्मेसी या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स अगर कोई स्टूडेंट करता है उत्तर प्रदेश में, तो वो मोस्टली AKTU यूनिवर्सिटी से ही करता है, क्योंकि AKTU यूनिवर्सिटी से कम
1000 प्लस कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, 20 प्लस कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस एफिलेटेड हैं AKTU यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है टेक्निकल कोर्सेज करवाने के लिए। बी फार्मेसी में ये मांग रही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिर्फ तीन डोमेन सब्जेक्ट, और जो सबसे सही है क्योंकि बच्चा पढ़ के यही आया है ट्वेल्थ में, और हमेशा कहीं भी जो होता है बी फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम उसमें यही तीन सब्जेक्ट मांगे जाते हैं, तो ये बेस्ट है। उसके बाद इसमें जो आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी 10th प्लस 12th पास आउट होने चाहिए, कोई परसेंटेज का इसमें नहीं दिया, लेकिन 45 और 50% तो रिक्वायर्ड होता ही है। अब उसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि गोरखपुर में है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इसमें दो यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, AKTU और MMUT। ठीक है, तो MMUT में बी फार्मेसी के लिए वही तीन डोमेन सब्जेक्ट मांगे गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी। लेटरल एंट्री भी ये दे रही है, लेटरल एंट्री के लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है और साथ ही साथ जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, और यहाँ भी बी फार्मेसी भी करवा रही है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और साथ ही साथ ये आपको लेटरल एंट्री भी दे रही है, ये आपको क्या दे रही है, लेटरल एंट्री भी दे रही है, और ये भी लेटरल एंट्री के लिए आपका क्या मांग रही है, सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही है अगर आप AKTU को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है आपका यही MMUT, ये लेटरल एंट्री दे रही है, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स एक डोमेन सब्जेक्ट आपको देना है, जनरल टेस्ट देना अगर आप डी फार्म के बाद बी फार्म करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं महात्मा ज्योतिबा फाउले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है, बरेली में है ना, और बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बी फार्म फर्स्ट ईयर में मतलब बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो ट्वेल्थ के बाद, तो इसमें ये तीन डोमेन सब्जेक्ट आपसे मांग रही है, साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मींस ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे मांग रहे हैं, मतलब तीन डोमेन सब्जेक्ट ही आपसे यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद है अगर लेटरल एंट्री आप लेना चाहती है तो उसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना है बायोलॉजी और मैथ में से एक, और एक जनरल टेस्ट देना है, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। MMUT में भी वही क्राइटेरिया है लेटरल एंट्री का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी बरेली में यूनिवर्सिटी है महात्मा ज्योतिबा फाउले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इसमें भी वही क्राइटेरिया, और साथ ही साथ आप AKTU भी टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज आप फर्स्ट स्लॉट में जनरल टेस्ट डालिए और सेकंड स्लॉट में आप ये जो डाला इसने मांगा है एक डोमेन सब्जेक्ट वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप एक ही स्लॉट भी फिल कर लीजिएगा, वहीं पे कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट डाल दीजिएगा और जनरल टेस्ट फिल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी जो कि मुरादाबाद UP में है, बी फार्मेसी ये करवा रही है, और कौन कौन से ये सब्जेक्ट मांग रही है, इसके लिए मैंडेटरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये नहीं मांग रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दो, उसके मतलब दो डोमेन सब्जेक्ट फिल करो और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा अगर आप टारगेट करें तीर्थंकर यूनिवर्सिटी को। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे मेवार यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, ये डी फार्मेसी करवा रही है, बी फार्मेसी करवा रही है, डी फार्म के लिए जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इनकी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और बी फार्मेसी के लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये मांग रहे हैं, मतलब बी फार्म में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो बायोलॉजी का एक डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी फिल कर लो और एक डोमेन सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स फिल कर लो, इनमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ ये मांग रही है, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट मांग रही है और यहाँ पे 10th प्लस 12th में 50 मार्क्स मांग रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पर बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, बी फार्म के लिए क्या मांग रही है, सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कहां पे है, नवी मुंबई में है, बी फार्म के लिए ये सिर्फ मांग रही है क्या आपसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये नहीं मांग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांग रही है, और इसमें एक लैंग्वेज मांग रही है वो भी इंग्लिश जो कि मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको देना ही पड़ेगा, इसमें लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी चूज नहीं कर सकते, इंग्लिश का पेपर ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे IES यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये बी फार्मेसी के लिए क्या मांग रही है, ये सेक्शन A1A में आपको एक इंग्लिश देना है लैंग्वेज,
लैंग्वेज में इंग्लिश आपको देना है, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी, तीन डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी आपकी पसंद का नहीं, इनके लिए जो मांगा गया है, इन्होंने जो मैंडेटरी किया है वो किया है इंग्लिश, तो इंग्लिश का ही आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं IIMT यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, और इसकी अगर मैं बात करूँ जो डोमेन सब्जेक्ट ये मांग रही है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, और ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है कि ये सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट क्योंकि पढ़ के अभी आया है इनके अच्छे से प्रिपरेशन करेगा अच्छा रहेगा। जनरल टेस्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत मार्क्स उसके लॉस हो जाएंगे, सीरियसली जनरल टेस्ट में परेशान हो जाएगा बच्चा। ये सब्जेक्ट है अच्छे से स्किल्स पे काम करे क्योंकि पढ़ाई उसने अभी तक ये है, जनरल टेस्ट के चक्कर में वो ये भी नहीं पढ़ पाएगा, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए आप वही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस दे जो कि जनरल टेस्ट ज्यादातर नहीं मांग रही है। काफी सारी ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करूं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ जो कि हरियाणा में है, ये डी फार्म भी करवा रही है, बी फार्म भी करवा रही है। डी फार्मेसी के लिए ये मांग रही है इंग्लिश और बी फार्मेसी के लिए भी ये मांग रही है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे है KR मंगलम यूनिवर्सिटी जो कि ये भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। अगर बी फार्मेसी की मैं बात करूं तो ये बी फार्मेसी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी मतलब तीन डोमेन सब्जेक्ट ही मांग रही है, तो इसी यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, ये बी फार्मेसी के लिए क्या मांग रही है, इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा अगर इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके। सो ये हो गई कंप्लीट आपकी यूनिवर्सिटीज जो कि कंप्लीट मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया। अब बी फार्मेसी में कौन सी यूनिवर्सिटी आने वाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है, क्या टेस्ट ले रही है, क्या फिल करना है, ये जो है ना ये आज का PDF इससे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फाइनल आपको यूनिवर्सिटीज कौन सी सिलेक्ट करनी है, डोमेन कौन से सब्जेक्ट करने हैं इस वीडियो में देखने के बाद, होप सो सब चीजें क्लियर हो गई हो। 2, 4, 10 बार वीडियो देखो लेकिन गलती नहीं करनी है। अब करेक्शन विंडो में, करेक्शन विंडो कैसे आपको करेक्ट करना है, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा वो आपको पर्सनल डिटेल्स के लिए है, लेकिन अभी आप एडिटिंग कर सकते हैं तो ये आप जाके जरूर एडिट कीजिए। सारी वीडियो CUET से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है प्लेलिस्ट जाके चेक करो, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है प्लेलिस्ट में सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो भी फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर से एक लार्ज वीडियो आपके लिए आएगा, पर आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है और आपके फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे हैं जो कि आपके लिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन जाके विजिट करो, CUET की प्रिपरेशन हम वहाँ करवा रहे हैं, जरूर विजिट करो, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, और लास्ट में मैं यही बोलूंगी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बी फार्मेसी में आपके एडमिशन लेने से आपको जॉब दिलवाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। इतनी ज्यादा सॉलिड कंटेंट के साथ हमारे चैनल पे अब वीडियोस आने वाली हैं, टॉपर कैसे बने, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं बी फार्मेसी में, बी फार्मेसी में पढ़ना क्या है, सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, कॉपी में कैसे लिखना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ। बस फॉलो करना है हमारे चैनल को, मेरे टिप्स को। आप अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो जाएं तो आप आके मुझे बोलना, हम आपके सामने हैं सोशल मीडिया पे, और मैं इतना बड़ा आपके सामने क्लेम करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान बनाया होगा, इसीलिए मैं क्लेम करती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से हमारी वीडियोस उन स्टूडेंट के सामने भी पहुंचेगी जिन स्टूडेंट को इस वीडियो का जरूरत है, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।